नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता, जो आप सभी चाहने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करती है। अगर कहानियां सुनने की ख्वाहिश रखते हैं आप, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आभा श्रीवास्तव जी की कहानियों का संकलन दिसंबर संजोग। इसी श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है कहो कल्याणी। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। कल्याणी के घने काले बाल पीठ पर बिखरे थे। उनका जूड़ा समेटती वो सीढ़ी से उतरकर आंगन में निकल आई। कल्याणी, अब आई है, कितना काम पड़ा है? नंदिता भाभी उलाहने से बोल पड़ी। चल झटपट पीछे का कमरा मिलकर साफ कर ले, मेहमान आने वाला है। कल्याणी कोतूहल से पूछ बैठी, कोई खास मेहमान है क्या भाभी? हाँ भाई है मेरा, भाभी बेहद व्यस्तता से बोल पड़ी। महीनों से बंद पड़े कमरे की कुंडी खोलकर कल्याणी अंदर पहुंची। पीछे पीछे भाभी भी आ गई। मेहरी 2 दिन से छुट्टी पर है, सोचा अपन दोनों मिलकर सफाई कर लेते हैं। साड़ी का पल्लू कमर में लपेटकर भाभी और कल्याणी कमरे की सफाई में जुट गई। 2 घंटे में ही कमरा धूल पोंछकर निखर गया था। कल्याणी ने खिड़की पर धुले साफ पर्दे लगा दिए। पढ़ने वाली मेज पर नया मेजपोश और टेबल लैंप सज गया। आले पर रखी भगवान की फोटो पोंछकर उसके आगे ढेर सी अगरबत्तियां भी जला दी, ताकि बासी बंद कमरे की गंध उनकी खुशबू से दूर हो जाए। पलंग पर साफ चादर सज गई और कमरा चमक उठा। कल्याणी दीदी, हमारा सवाल नहीं निकल रहा। छोटी बहन प्रिया ने ऊपर खिड़की से झांक कर उसे बुलाया। आती हूँ बाबा। कल्याणी चलने को हुई तो नंदिता भाभी ने एक अधबुना स्वेटर उसे पकड़ा दिया। अमोल के लिए डाला था कल्याणी, आधा बुन पाई, समय ही नहीं है, पूरा कर देगी? हाँ भाभी, हो जाएगा, कहते हुए कल्याणी ने स्वेटर ले लिया। नंदिता भाभी को अचानक ही मानो ममता सी उमड़ आई। अरे कल्याणी, चाचा जी तेरे ब्याह की चर्चा कर रहे थे उस दिन, क्या हुआ? बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, अभी क्या उम्र है तेरी, इतनी सी उम्र में पति का साथ छूट गया, सब भाग्य का लेखा है। भाभी ने ठंडी सांस छोड़ी। कल्याणी गुमसुम सी चुप खड़ी थी। अपना खोया हुआ सौभाग्य ढूंढने कहां जाए? अब तो 5 बरस होने को है, 3 बहनों में सबसे बड़ी कल्याणी। सुंदर तो नहीं किंतु बेहद आकर्षक, मध्यम रंग, औसत कद काठी, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घने बाल उसे और भी मोहक बना देते हैं। माँ मृत्युशैया पर थी तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि जीते जी कल्याणी का ब्याह उनकी आंखों के सामने हो जाए। उसी बरस कल्याणी ने बीए किया था। बाबूजी ने अपनी समझ से घर वर अच्छा ही ढूंढा था, किंतु भाग्य का लिखा कुछ और ही था। माँ के सामने ही कल्याणी का ब्याह हुआ और माँ को मानो संजीवनी मिल गई थी, किंतु ब्याह के 6 माह के अंदर ही सड़क दुर्घटना में कल्याणी का सब कुछ छिन गया। इस धक्के को मां न सह सकी और समय से पहले ही वे चल बसी। कल्याणी के ससुराल में सबने चाहा कि कल्याणी वहीं रहे अपने से 2 बरस छोटे देवर की ब्याहता बनकर, किंतु कल्याणी ने विद्रोह कर दिया। इस सुझाव के पीछे पति की सरकारी नौकरी और बीमे की रकम का लालच था। चुपचाप सब कुछ छोड़कर वो मायके चली आई। बाबूजी के घर में उसे आसरा मिल गया था। बीमे के कागजों पर दस्तखत करके कल्याणी ने पूरी रकम ससुराल वालों को थमा दी थी और स्वयं व्यस्त रहने के लिए पति का दफ्तर ज्वाइन कर लिया था। पिछले बरस कल्याणी की मझली बहन का ब्याह हो गया था और अचानक ही बाबूजी कल्याणी के पुनर्विवाह के लिए अकुला उठे थे। नंदिता भाभी कुछ 1 बरस पहले उन लोगों के पड़ोस में आकर बस गई थी। जीना उतरते समय आते जाते भाभी से बात हो जाती थी। वे संतानहीन थी, उनके पति नामी वकील थे, उनके घर में सभी कुछ था जिनका कल्याणी के घर में अभाव था। नंदिता भाभी से स्वेटर लेकर कल्याणी चुपचाप अपने घर चली आई। छोटी को सवाल समझाकर वो भाभी का स्वेटर पूरा करने में जुट गई। सर्दियां शुरू होने वाली थी। भाभी का बड़ा मन था कि उनका भैया उनके हाथ का बना स्वेटर पहने। उसने आधी रात जाग कर स्वेटर का गला बनाकर उसे सिलकर पूरा कर दिया। कल सुबह ऑफिस जाते समय इसे वो भाभी को दे देगी, कल्याणी ने सोचा।
अगले दिन सुबह हमेशा जूड़ा लपेटने की जगह कल्याणी ने अनायास ही बालों को एक ढीली वेणी में गूंथ लिया था। परिपाटी से साड़ी बांधकर उसने स्वेटर का पैकेट उठा लिया। उसने नीचे झांक कर देखा, भाभी का आंगन सूना था। स्वेटर देने के बहाने वो नीचे चली आई। ठक ठक उसने दरवाजे पर थाप दी। चटपट भाभी निकल आई। आ रही कल्याणी। सामने सोफे पर उनका भाई बैठा था। ये कल्याणी है अमोल, पड़ोस में रहती है, विधवा है बेचारी। भाभी ने सहानुभूति दिखाई। कल्याणी के मन में कहीं खंजर सा चुभा। संकोच में भरकर उसने अमोल को देखा तो चकित रह गई। उसके स्वर्गीय पति से कितनी छवि मिल रही थी अमोल की। वैसा ही गोरा रंग, घुंघराले बाल और चौड़ा माथा। वो सोच में पड़ गई। सहसा उसे समय का ध्यान आया। चलो भाभी, दफ्तर को देर हो रही है। आप कहीं नौकरी करती हैं क्या? अमोल ने पूछा। हाँ, अनुकंपा के आधार पर पति के ही दफ्तर में नौकरी मिली है इसे, नंदिता भाभी बीच में ही बोल पड़ी। कल्याणी का चेहरा उतर गया था। दोबारा नमस्ते करके वो बाहर चली आई। उसने कुछ निर्दयता से स्कूटी स्टार्ट की। उसके कर्कश स्वर में मानो कल्याणी की तकलीफ कुछ कम हो गई थी। एक बार फिर दफ्तर पहुंचकर उसे वहां के नीरस वातावरण में रम जाना होगा। वही बेजान फाइलें, कंप्यूटर के आंकड़े, सहयोगियों के निर्लज बेसुरे ठहाके। उसकी पलकों के कोर न जाने क्यों गीले हो गए। दफ्तर में भी पूरा दिन वो अनमनी ही रही। एक खालीपन मानो पीछा कर रहा था। उसकी यादों में अमोल का चेहरा पीछे छोड़ते हुए बार बार एक बेहद हंसमुख आत्मीय चेहरा मुखर होकर सामने आ रहा था। एक मीठी मधुर स्मृति बार बार दस्तक दे रही थी। दफ्तर से लौटते समय सब्जी के ठेले के पास नंदिता भाभी एक बार फिर दिख गई। अरे कल्याणी, लौकी खरीद रही हैं? हमारे अमोल को लौकी के कोफ्ते बड़े पसंद है। तू तो बड़े अच्छे बनाती है ना? वे अपनेपन से मुस्कुराई। कल्याणी ने सब्जी तुलवा ली थी। भाभी वहीं से बाजार निकल गई और कल्याणी वापस घर आ गई। स्कूटी खड़ी करते समय उसने देखा कि कमरे में उजाला था। न जाने क्यों कल्याणी का मन एक विचित्र सी उत्कंठा से भर गया। आहट सुनकर अमोल बाहर निकल आया। रोज इसी समय लौटती हैं आप? जी। कल्याणी ने सब्जी का झोला उठा लिया था। हवा में हल्की खुनक सी थी। उसने साड़ी का पल्लू कंधे पर लपेट लिया। शनिवार रविवार को तो छुट्टी रहती होगी, उसे लगा अमोल उससे बात करना चाह रहा है। कल्याणी धीरे से मुस्कुराई। उस दिन तो आपकी भी छुट्टी रहती होगी। अमोल हल्के से हंस पड़ा। मैं तो यहाँ नौकरी ढूंढने आया हूँ, आपकी तरह नौकरी वाला नहीं हूँ अभी। उनकी बातचीत को एक प्रवाह मिल गया था। कल्याणी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आई तो बाबूजी जाप कर रहे थे। उसे देखकर जाप बंद कर दिया। छोटी की कोई सहेली आई थी, वे दोनों आपस में बातों में मगन थी। कल्याणी ने सैंडल उतार कर सब्जी का थैला रखा। रसोई में जाकर गैस पर चाय का पानी रख दिया। उनका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था। कल्याणी ने बहुत दिनों बाद एक गहरी दृष्टि रसोई में घुमाई। उसके ब्याह से पहले घर की सफाई पुताई हुई थी। उसके बाद से घर का रंग रोगन नहीं हुआ था। इतना पैसा ही नहीं जुट पाया। जो थोड़ा बहुत पैसा जुटा भी तो माँ की बीमारी, मजली के ब्याह में खर्च हो गया। कल्याणी सोच में डूब गई थी। उसकी आंखों के सामने नंदिता भाभी का बेहद सजा संवरा घर घूम गया। चाय लेकर वो बाबूजी के निकट ही बैठ गई। बाबूजी ने उसे तरल दृष्टि से देखा और एक बार पुनः पूछ बैठे, बेटा कुछ अपने बारे में भी सोच रखा है तूने? कल को छोटी भी ब्याह कर चली जाएगी, मैं कब तक बैठा रहूंगा? एक रिश्ता लाए थे सदानंद चाचा, तू कहे तो बात चलाऊं। लड़का वकील है, दो छोटे छोटे बच्चे छोड़कर पहली पत्नी नहीं रही, उन्हें घर संभालने वाला कोई चाहिए। कल्याणी चाय की प्याली के इर्द गिर्द हथेली घुमाती रही, फिर धीरे से उठकर रसोई में चली गई। लौकी छीलते समय उसे याद आ गई कोफ्ते वाली बात। अनजाने में ही बेसन भून कर उसने लौकी कद्दूकस कर डाली। छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर तरी में डाल दिए उसने। अलग से एक बर्तन में कोफ्ते निकालकर उन्हें बड़े करीने से सजाकर छोटे के हाथ उन्हें भाभी के घर भिजवा दिया। रात को रसोई समेटते समय आज बरसों बाद कल्याणी का मन कुछ गुनगुनाने का कर उठा। उसे याद आया
कि वो भी कभी बेहद सुरीला गाती थी। समय और परिस्थिति की मार ने उसका संपूर्ण संगीत ही शुष्क कर दिया। इतने बरसों से उसने अपने विषय में कुछ सोचना ही छोड़ दिया था। एक मशीनी सी दिनचर्या ही शेष रह गई थी। आज न जाने क्यों अमोल को देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। इसे वो किसी भावना का नाम देने में असमर्थ रही। कल्याणी जान रही थी कि अमोल उसके लिए आकाश कुसुम है, किंतु फिर भी वो विवश थी। उसके अंतस में एक अनदेखी अनजानी पीड़ा दूर तक धंसती चली गई। क्या अमोल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आते जाते कल्याणी को कभी कभी अमोल की झलक मिल जाती थी, मुस्कुराहट का आदान प्रदान हो जाता। कुछ परिवर्तन कल्याणी ने स्वयं में भी देखा था। न जाने कैसी मोहकता उसके भोले चेहरे को और भी सौम्य बना गई थी। उस दिन दफ्तर जाते समय नंदिता भाभी ने फिर टोक दिया, कल्याणी अमोल को उसके इंटरव्यू के लिए जाना है, तू छोड़ देगी क्या? तेरे भाई साहब बाहर गए हैं और कार भी ले गए हैं। अमोल के पैर में चोट लग गई है। इतने में अमोल लंगड़ाता सा बाहर निकल आया। क्या जीजी मैं चला जाता खामखा, लेकिन कल्याणी को देखकर चुप रह गया। आइए, कल्याणी हंसकर बोली। अमोल पीछे बैठ गया। मोड़ पर जाकर उसने स्कूटी रखवा ली। आप बैक सीट पर बैठिए, मैं चला लूंगा, अमोल ने कहा तो कल्याणी चकित रह गई। उसने देखा कि अमोल के पैर में कोई मोच नहीं थी। मैं तो आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। वो दुष्टता से मुस्कुराया तो कल्याणी कानों तक लाल पड़ गई। आज आप दफ्तर से छुट्टी ले लीजिए, इंटरव्यू के बाद मैं भी खाली हो जाऊंगा, अमोल ने कहा तो कल्याणी अचकचा गई, किंतु फिर भी उसे छुट्टी लेनी ही पड़ी। उस पूरे दिन कल्याणी और अमोल ने एक दूसरे को जाना पहचाना। जाने कैसी है दृश्य मर्यादाएं कल्याणी ने अपने इर्द गिर्द लपेट रखी थी। उन गांठों को खोलने के लिए समय चाहिए था। देर सांझ तक वे दोनों अलग अलग अपने अपने घर लौट आए। किसी को कुछ भी पता न चला। केवल कल्याणी को लगा कि उसका पोर पोर रोम रोम नया हो गया है। अमोल की अच्छी नौकरी लग गई थी। कल्याणी को वो अपने साथ प्रिय रेस्तरां में ले गया। कल्याणी को नहीं पता था कि ये मृग मरीचिका उसे किधर लिए जा रही है। कुछ दिन बाद नंदिता भाभी बड़ा सा कपड़े का गट्ठर लेकर ऊपर चढ़ाई। तनिक हाफती सी बोली, कल्याणी जरा समय निकालकर मेरे पर्दे सी देना। असल में अमोल के लिए रोज ही कोई न कोई लड़की वाला आ जाता है, कभी भी रिश्ता पक्का हो सकता है। कल्याणी के मन में पीर सी उठी। अमोल के साथ उसकी घनिष्ठता क्या भाभी को पता होगी? शनिवार को सदानंद चाचा फिर आए और अगली बार लड़के वालों को साथ लाने की कहकर चले गए। कल्याणी दो दिन पहले ही नए पर्दे सिलकर भाभी को दे आई थी। रविवार को उसने मीठी सेवैयां बनाई थी, सो देने चली गई। वे लोग कहीं जाने को तैयार खड़े थे। कल्याणी सकुचा गई, हम लोग अमोल के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तू भी चल, जा झटपट तैयार हो जा। भाभी ने अपनापन दिखाया। नहीं भाभी, मैं क्या करूंगी जाकर, कल्याणी का गला रुंध गया, लेकिन भाभी की जिद के आगे वो हार गई। लौटते समय लड़की का कमनीय सौंदर्य कल्याणी की आंखों के आगे तैरता रहा। कोर वर्ण, तीखे नैन नक्श, पढ़ी लिखी, ना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। वे लोग अच्छा खासा पैसा भी खर्च करने को तैयार थे। भाई मुझे तो लड़की बेहद पसंद आई, नंदिता भाभी लगातार बोल रही थी। इकलौता है अमोल हम तीनों बहनों में, तो बहू भी तो चांद का टुकड़ा होना चाहिए, वे खिलखिलाई। अमोल निर्विकार था। घर लौटते ही कल्याणी कटे वृक्ष की तरह पलंग पर गिर पड़ी। अरसे से दबे हुए आंसू निकल पड़े उसकी आंखों से। एक धारदार रुलाई, वो हिलक हिलक कर रो रही थी। न जाने कब बाबूजी चले आए, वे उसका सिर सहला रहे थे। बेटा मैं जान रहा था कि तू अमोल को पसंद करने लगी है, पर कुछ कह नहीं पाया। नंदिता इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, पीछे हटना ही बेहतर है बेटा, जहां तक पहुंची है वहीं से लौट ले। कल्याणी संभल चुकी थी। ठीक कहते हैं बाबूजी, चिंता मत करिए मैं ठीक हूं। फिर जल्दी ही एक दिन दफ्तर जाते समय उसे देख नंदिता भाभी लपककर बाहर निकल आई। कल्याणी
आज दफ्तर से जरा छुट्टी ले ले, मेरी दोनों बहनें आई हैं, अमोल की बहू के लिए कुछ गहने वहने लेने हैं, तो साथ रहेगी तो ठीक रहेगा। फिर आज ही उसकी साड़ी लेकर फाल भी टांकना है, तुझे ही दूंगी ये काम। एक बार कल्याणी के जी में आया कि भाभी को मना कर दे, लेकिन हमेशा की तरह वो रुक गई, उलझते हुए कुछ सोचती रही, सोचते हुए कुछ उलझती रही। तब भी उसने छुट्टी के लिए दफ्तर फोन कर दिया। अमोल ने गाड़ी निकाली तो दोनों जीजियां चट से गाड़ी में बैठ गई। आओ ना कल्याणी, उन लोगों ने कल्याणी को बुलाया तो उसे लगा ही नहीं कि वो उन लोगों से पहली बार मिली है। अमोल, क्या बहू पसंद नहीं आई जो ऐसा चुप्पा बैठा है? बड़ी जीजी ने अमोल को छेड़ा। अरे हाँ, अमिता भी तो आ रही है ना वहाँ, उसी के साथ तो शॉपिंग करनी है, छोटी जीजी बोली। चलो हम भी तो देखें नंदिता जीजी की पसंद। वे दोनों खिलखिलाई। मार्केट में अमिता भी आई थी, दोनों बहनें उस पर निहाल हुए जा रही थी, वे उसे छेड़ रही थी, किंतु अमिता बिल्कुल तटस्थ और निर्विकार चुप थी। दुकान पर साड़ियां पसंद करते समय, सगाई की अंगूठी लेते समय अमिता की चुप्पी असामान्य थी। ब्याह तय हो जाने पर लड़कियां सरमाई सी रहती हैं, सलज्ज छुई मुई सी, किंतु अमिता की रुखाई सभी को खटक रही थी। सगाई का सामान लेकर वे लोग लौटे तो दोनों ही बहनें कुढ़ी हुई थी। साड़ी और गहने पटक कर वे धम्म से सोफे पर बैठ गई। कल्याणी ने ही साड़ी का डिब्बा खोलकर भाभी को दिखाया। नीली और संदली बनारसी रेशम और जरी की साड़ी झिलमिल कर उठी। नंदिता भाभी बावरी से बोल उठी, अमिता को पसंद आई? भरी हुई जीजियां मानो फट पड़ी। गजब की घुन्नी लड़की है जीजी, घमंडी भी, पता नहीं अमोल से कैसे निभेगी, बड़ी जीजी बोली। अमोल से तो निभ ही जाएगी जीजी, कोने में कैसे खुसर फुसर हो रही थी, देखा था ना, छोटी जीजी ने कहा। हमें तो अपनी ही सोचनी है जीजी, ऐसी नक चढ़ी लड़की आई तो मायका तो खत्म ही समझो। वे खार खाए बैठी थी। कल्याणी उठने को हुई। चलो भाभी, बाबूजी अकेले होंगे, उसने कहा तो भीतर से दंदनाता हुआ अमोल निकल आया। रुको कल्याणी, तुम कहीं नहीं जाओगी, वो अधिकार से बोल पड़ा तो तीनों बहनें हतप्रभ रह गई। जीजी, तुमने ब्याह करने को कहा तो मैं मना नहीं कर पाया, चटपट तुमने रिश्ता भी देख लिया। मैं लड़की देखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, किंतु लिहाज के मारे कुछ नहीं कह पाया। अमिता के स्वभाव की रुखाई तो मैंने भी नोटिस की थी, लेकिन इसकी वजह भी है। क्या हुआ अमोल? नंदिता भाभी का चेहरा पीला पड़ गया था। जीजी, अमिता किसी और को पसंद करती है, घर वालों के दबाव में आकर उसने हाँ की है। घर वाले अमिता की पसंद से सहमत नहीं है, लेकिन अमिता को विश्वास है कि देर सवेर घर वाले मान ही जाएंगे, इसलिए वो चाह रही है कि हम लोगों की तरफ से ही मना हो जाए, बस यही अनुरोध किया था उसने मुझसे। मेरा मन भी कहीं और जुड़ा है जीजी, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई है, मैं भी इस ब्याह से, इस रिश्ते से इनकार करता हूँ, कहते हुए अमोल हांफ गया। कल्याणी स्तब्ध थी। अमोल सीधी बेझिझक दृष्टि से उसे देख रहा था। वो संकोच से भर उठी। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है कल्याणी? अमोल का स्वर गूंजा तो वो चौंक उठी। मैं अब क्या सोचूंगी अपने बारे में, सब कुछ तो बीत गया, कल्याणी टूटे रोए स्वर में बोली। उसकी पलकों की कोरों पर रुके हुए दो आंसू बाहर आ गए। क्यों, अभी उम्र क्या है तुम्हारी, इतनी जल्दी जीवन से हार मान लोगी? अपने बारे में सोचने का अधिकार है तुम्हें, सारी उम्र ऐसे ही बैरागन बनकर काट दोगी या समाज परिवार की मर्यादा ढोती रहोगी? कहो कल्याणी, एक बार कहो कि तुम्हें भी नई उम्मीदों के साथ अपना जीवन जीना है। सुबह जिस घर में इतनी चहल पहल रौनक थी, वही घर शाम को कितना साय साय कर उठा था, और उसी सन्नाटे में अमोल का स्वर गूंज रहा था। शोरगुल सुनकर बाबूजी नीचे उतर आए थे। कुछ पल बीत गए। अमोल प्रश्नवाचक दृष्टि से कल्याणी को देख रहा था। मुझे ऐसा कोई कहां मिलेगा अमोल, जो इस विपदा में आकर मेरा हाथ थामेगा? आज तो कुंवारी लड़कियों का ब्याह भी कठिनाई से होता है, फिर मैं तो विधवा हूँ, क्यों नहीं मिलेगा कल्याणी? तुम पहले अपना मन तो पक्का करो, जहाँ चाह है वहाँ राह भी तो बनेगी। अमोल, यदि ये प्रस्ताव मैं तुमसे करूँ तब? कल्याणी व्यंग से हंसकर कुछ कड़वे स्वर में बोली।
मानो वो जानती थी कि अमोल अपना मन होने के पश्चात भी बहनों के सम्मुख उसे अपनी परिणीता बना लेने का प्रस्ताव कभी नहीं रख पाएगा। किंतु अमोल शायद इसी पल की प्रतीक्षा में था। कल्याणी, अगर तुम सीरियस हो तो मैं पूरे होश हवास के साथ स्वयं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, अमोल दृढ़ स्वर में बोला। उसने आगे बढ़कर कल्याणी का हाथ थाम लिया। मैं अपने सभी आदरणीय बड़ों और भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें स्वीकार करता हूँ कल्याणी। कल्याणी चकित थी। उसके उज्जवल भविष्य का नक्शा क्या विधाता स्वयं खींच रहा था? जाने कैसे भाग्य का लिखा सत्य उसके मुख से अपने आप निकल पड़ा था। उसके होठों पर एक नन्ही सलज्ज शर्माई सी मुस्कान फूट पड़ी। सपनीली आंखों पर पलके झुक आए और चेहरा एक मीठी उजास से भर गया। नंदिता भाभी, उनके पति, दोनों जीजियां सभी अवाक थे। मानो पूरे नाटक का अंत उन्हें ही करना था। वे सभी भीतर चले गए। कुछ देर बाद नंदिता भाभी प्रकट हुई। ठीक है अमोल, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तेरी खुशी में ही हम सबकी खुशियां हैं। वे भावुक हो गई थी। उसी समय क्षमा मांगते हुए अमिता के घर से फोन आ गया। उससे निपट कर भाभी कल्याणी के निकट आ बैठी। कल्याणी छेप रही थी। उसी के कारण नंदिता भाभी का गोरी उजली बहू लाने का स्वप्न चूर हुआ था। तभी बड़ी जीजी ने पूजा घर में जाकर शंख फूंक दिया। छोटी जीजी चट से दौड़ी आई। उन्होंने कल्याणी के सिर पर नई रेशमी साड़ी का आंचल डाल दिया। कल्याणी की उंगली में अमोल की पहनाई अंगूठी दमक रही थी। उसने अनुराग भरी आंखों से अमोल को निहारा। उसे लगा आज बरसों बरस की लंबी अंतहीन सुरंग से निकलकर वो इंद्रधनुष के सतरंगे आंगन में आकर खड़ी हो गई है।